हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्पीच पाठशाला में आपका स्वागत है। हमारे जी ने मेधा व्यास ने की थी और महाभारत में एक लाख श्लोक है जिसके कारण इसे सप्त शास्त्र संहिता कहा जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्पीच पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास का अगला पाठ लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है, महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी और महाभारत में एक लाख श्लोक है जिसके कारण इसे सप्त शास्त्र संहिता कहा जाता है। ब्राह्मोत्तर साहित्य में अगर बात किया जाए तो बौद्ध साहित्य सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। इनका नाम सुतपिटक, विनयपिटक और अभिधम्मपिटक है। सुतपिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया। जैन साहित्य की अगर बात किया जाए तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भगवती सूत्र में महावीर का के जीवन का प्रकाश पड़ता है। जैन धर्म पर प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। लौकिक साहित्य के बारे में बात किया जाए तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ विदेशी विवरण एवं जीवनियों को रखा जाता है। तो भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। ऐतिहासिक रचनाओं में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र के रचनाकार जो थे कौटिल्य थे और ये राजनीति से संबंधित था। कल्लर द्वारा रचित राजतरंगी तरंगिणी से 11वीं शताब्दी के कश्मीर का इतिहास का ज्ञात होता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।